छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चलाए जा रहे नक्सली उन्मूलन के तहत चलाए जा रहे अभियान से प्रभावित होकर 16 लाख के 5 इनामी नक्सली सहित 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उक्त अभियान में डीआरजी बस्तर फाइटर, एसटीएफ एवं कोबरा 202, 210 केंद्रीय रिजर्व पुलिस 222वीं वाहिनी के द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 16 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव, कमांडेंट 222वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस विनोद मोहरिल, कमांडेंट कोबरा 202 अमित कुमार, कमांडेंट कोबरा 210 अशोक कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स वैभव बैंकर, उप पुलिस अधीक्षक सुदीप सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने पर इन्हें उत्साहवर्धन के लिए शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। जिला बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी बस्तर फाइटर, एसटीएफ कोबरा 202, कोबरा 210, सीआरपीएफ 222 वाहिनी के संयुक्त प्रयासों से आज दिनांक 30/4/2024 को 16 माओवादियों द्वारा बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। इन 16 माओवादियों में एक पीएलजीए बटालियन नंबर 1 सदस्य, एक माटवाड़ा एलओएस कमांडर एसीएम बहरमगढ़ एरिया कमेटी अंतर्गत और डुमरी पालनार एवं पालनार आरपीसी के समस्त सदस्यों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। माओवादियों के भेदभावपूर्वक व्यवहार, उनकी खोखली राजनीति और उनके दबाव एवं प्रताड़ना की वजह से और एवं छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर इन माओवादियों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है।